हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एग ऑमलेट, लेकिन एग ऑमलेट मैं पैन में नहीं कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। कढ़ाई में बच्चे भी इजीली एग ऑमलेट बना सकते हैं। मेरा बेटा जब भी एग ऑमलेट बनाता है, उससे एग ऑमलेट पूरा नहीं बनता, हमेशा टूट जाता है। तो मैंने उसे कढ़ाई में एग ऑमलेट बनाना सिखाया, तो वो बिल्कुल परफेक्ट एग ऑमलेट बना लेता है। पैन में कभी कभी एग ऑमलेट टूट ही जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी एग ऑमलेट परफेक्ट बने और बिना टूटे बने, तो देख लीजिए रेसिपी और बना लीजिए कढ़ाई में एग ऑमलेट। यहाँ पे मैं दो तरह के एग ऑमलेट बनाऊँगी, एक तो प्लेन, और प्लेन ऑमलेट भी कढ़ाई में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा बन के तैयार होगा। दूसरा बनाऊँगी चीज़ ऑमलेट। मोज़रेला चीज़ मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच, चीज़ क्यूब भी ले सकते हैं इसकी जगह। सबसे पहले मैं प्लेन एग ऑमलेट बनाऊँगी। एक एग ले लेना है, सेंटर से तोड़ लेना है। कभी भी एग को तोड़ें, सेंटर से तोड़ें इस तरह से। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें इसमें। मैं 2 पिंच डाल रही हूँ नमक इसमें, क्योंकि मैं इसमें प्याज टमाटर नहीं डाली, प्लेन बना रही हूँ बिल्कुल, तो नमक कम ही पड़ेगा। 2 पिंच काली मिर्च। अब ऑमलेट में कभी भी लाल मिर्च ना डालें, हरी मिर्च डाल लें। मैं हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो हरी मिर्च डाल सकते हैं। फैट लें इसको अच्छे से। प्लेन मैं 1 एग बना रही हूँ, लेकिन चीज़ वाले 2 एग बनाऊँगी, तो मैं 2 एग और फेंट रही हूँ चीज़ ऑमलेट के लिए। इसमें नमक डाल देना है 2 पिंच। अब अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें, क्योंकि चीज़ में भी थोड़ा बहुत नमक होता ही है। साथ में काली मिर्च डाल रही हूँ मैं, आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। फैट लें अच्छे से। तो तीनों अंडे मैंने फेंट लिए हैं। अब चलते हैं अपने किचन की ओर और इनको बना लेते हैं। तो कढ़ाई मैंने रख दी है गैस पे। इसमें डाल देना है ऑयल, आप चाहे तो बटर में भी बना सकते हैं, मैं ऑयल में ही बना रही हूँ। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। अब इस ऑयल को फैला लेंगे इस तरह से। ऑयल अभी ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इस कढ़ाई में ऑयल साइड में चला जाएगा तो ऑमलेट भी साइड में चला जाएगा। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देना है। गर्म हो चुका है ऑयल, इसमें डाल देना फेंटा हुआ अंडा। गैस का फ्लेम मीडियम कर दे बेशक। अब ऑयल डाल देंगे साइड में इस तरह से। 1 छोटा चम्मच ही ऑयल डालना पड़ेगा। थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ ऊपर। 1 मिनट तक इसको सिकने देना है एक साइड से। धनिया आपको पसंद नहीं है तो बेशक न डालें। प्याज टमाटर डाल के भी आप इसी तरह से ऑमलेट को बना सकते हैं। चारों तरफ से पहले उठा के देख लें, उठाया जा रहा है तभी पलटाएं, पहले ना पलटाएं। पैन में तो एग ऑमलेट आप बनाते ही हैं, एक बार कढ़ाई में भी एग ऑमलेट बना के देखें कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है। मैंने इसी तरह से एग ऑमलेट कढ़ाई में बनाना सिखा दिया अपने बच्चों को, और अब वो कढ़ाई में बड़ी ही ईजीली एग ऑमलेट बना लेते हैं। 1 मिनट तक इसको सिकने देना, थोड़ा सा बेशक उठा के देख लें, थोड़ा सा और सिकने देंगे, देख लेते हैं पलटा के। बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हो गया है एग ऑमलेट। इसको निकाल लेना है प्लेट में। तो चीज ऑमलेट बनाने के लिए भी इसी तरह से ऑयल डाल देना है और फैला देना है। 1 छोटा चम्मच डाल दिया मैंने ऑयल का। कॉर्नर में ऑयल डाल देंगे अब उसी तरह से। कैसे फूल रहा है अंडा आप देख सकते हैं। फैला भी सकते हैं आप चाहे, बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसको इस तरह से फैला लें। आप भी हैरान होंगे कि कढ़ाई में भी इतना बढ़िया ऑमलेट बन के तैयार हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं 2 एग हैं ये। 1 मिनट तक इसको पकने देना है पहले, उसके बाद इसके आधे हिस्से में डाल देना है चीज़। इस तरह से रख दें, आधे हिस्से में डालें इसको, पूरे में न डालें और कॉर्नर पे भी ना डालें, नहीं तो वो सारा कढ़ाई में ही आ जाएगा। 1 बड़ा चम्मच मैंने चीज़ का लिया था, लेकिन 1 छोटा चम्मच इसमें आया है, चीज़ बच गया है थोड़ा। अब इसको फोल्ड कर देना है इस तरह से और सेंटर में ला के इसको कवर कर दें। आधे से 1 मिनट तक
इसको कवर रहने दें। आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो एक मिनट हो गया है, कवर खोल के देख लेते हैं। इतना बढ़िया बन के तैयार हो गया है, दोनों साइड से बहुत बढ़िया से सिक गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ मैं। तो कितनी आसानी से, कितनी इजीली, बिना ताम झाम के 3 एग ऑमलेट जो हैं बनके तैयार हो गए हैं कढ़ाई में। अब इसको सर्व कर लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स कितनी जल्दी बना के तैयार कर लिए हैं मैंने 3 एग ऑमलेट। इसको कट कर लेते हैं बीच में से, आप चाहें तो चाकू से भी इसको कट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया। तो अगली बार जब भी आप ऑमलेट बनाएं तो कढ़ाई में ही बनाएं। इसके ऊपर भी डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया। कितना बढ़िया बनके तैयार हो गया है, बिना ताम झाम के, बिना झंझट के। चीज़ एग ऑमलेट की रेसिपी मेरे ब्रदर ने मुझे दी है, वो हमेशा इसी तरह से चीज़ एग ऑमलेट बनाते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इस तरह से भी चीज़ एग ऑमलेट बना सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और कढ़ाई में कितना बढ़िया फर्स्ट क्लास ऑमलेट बनके तैयार हो गया है। तो मैं इसको सर्व कर लेती हूँ चटनी के साथ। तो आज मैंने अपने ब्रदर की रेसिपी आपको दी है चीज़ ऑमलेट की, और कढ़ाई में ये कितनी ईजिली बन गया है आपने खुद से ही देखा है। तो आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से एग ऑमलेट बनाना सिखाइए, जिससे कि वो भी परफेक्ट एग ऑमलेट बनाएं, खुद भी खाएं और आपको भी खिलाएं। और रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करना ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।